हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे 3D डैम के बारे में। देखिए, चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक डैम बना रहा है, जो कि लगभग 180 मीटर लंबा डैम है, जिसे बनाने में लगभग 2 साल लगेंगे। और सबसे खास बात, इस पूरे डैम के कंस्ट्रक्शन वर्क में किसी भी ह्यूमन को यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिर्फ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ड्राइवरलेस ट्रक्स, ड्राइवरलेस बुलडोजर्स को यूज़ करके इस डैम को बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड लेबर के साथ, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बिना किसी इंसानी मदद के डैम को क्यों बना रहे हैं? तो इस बात के पीछे चाइना के 2 इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन, ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जो साइंस है, ये ह्यूमन एरर को पूरी तरह से खत्म कर देती है, टाइम कम लगाती है, कॉस्ट कम लगाती है। शायद यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से चाइना इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, चाइना के अंदर बर्थ रेट काफी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां पे लेबर शॉर्टेज हो चुकी है। शायद इसलिए भी चाइना इस तरह के आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को यूज करके डैम बनाना चाहता है। बहरहाल, अगर ये डैम सक्सेसफुल बनता है, जिसे बनाने में लगभग 2 साल का टाइम लग जाएगा, तो ये बन जाएगा दुनिया का वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3D प्रिंटिंग प्रोजेक्ट। और अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर डैम की, तो ये एक हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसके अंदर लगभग हर साल 5 बिलियन किलोवाट एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा, जो लगभग 100 मिलियन इंडिविजुअल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।